मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के टिकट दावेदारों ने अभी से पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा की पार्टी को दो टूक कह दिया गया कि अगर पार्टी ने समीक्षा गुप्ता को दक्षिण विधानसभा सीट से टिकट दिया तो वो सीट पर पार्टी के लिए काम ही नहीं करेंगे। ऐसे में बीजेपी के अंदर अब सियासी माहौल गर्मा गया है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी में बड़ी फूट का नतीजा बता रही है। ग्वालियर जिले की दक्षिण विधानसभा सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट से पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता टिकट की दावेदारी कर रही हैं। पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा पहले ही टिकट मांग चुके हैं और अपने बगावती तेवर दिखा रहे हैं। अब पूर्व मंत्री और बीजेपी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि उन्हें टिकट मिले या ना मिले, लेकिन समीक्षा गुप्ता को टिकट मिला तो वो पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। समीक्षा गुप्ता को मिला तो मैं खुद काम नहीं करूंगा, इस विधानसभा में काम नहीं करूंगा अगर इस विधानसभा से उसे टिकट मिलता है। वहीं समीक्षा गुप्ता टिकट के फैसले को पार्टी पर छोड़ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस खुश हो रही है। पार्टी टिकट देगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतूंगी। भारतीय जनता पार्टी अंतर कलह की शिकार है और भारतीय जनता पार्टी की अंतर कलह का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। दक्षिण विधानसभा सीट में कुशवाहा समाज के वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में समीक्षा गुप्ता ने नारायण कुशवाहा का गणित बिगाड़ दिया था।